बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने किया खुलासा कि किस तरह से शादी करते ही उसके साथ टॉर्चर होना शुरू हो गया और शादी के बाद हनीमून पे ही उसके पति ने ऐसी हरकत की जिससे वो दंग रह गई। इस एक्ट्रेस के हस्बैंड ने हनीमून पर इस एक्ट्रेस की एक रात की बोली लगाना शुरू कर दी अपने दोस्तों के सामने। ये बात खुद इस एक्ट्रेस ने खुलकर बताई एक इंटरव्यू के दौरान। ये एक्ट्रेस बॉलीवुड के बहुत बड़े खानदान से है। करिश्मा कपूर की यहाँ पर बात हो रही है। ये 2003 में करिश्मा कपूर ने संजय कपूर के साथ शादी कर ली थी। करिश्मा कपूर जो कि अभिषेक बच्चन से एंगेज थी, ये एंगेजमेंट कुछ महीनों ही चली जिसके बाद इस एंगेजमेंट को तोड़ दिया गया। उसके तुरंत बाद करिश्मा ने संजय कपूर के साथ शादी कर ली। संजय कपूर ऑलरेडी डिवोर्सी थे। संजय कपूर से शादी के बाद ही करिश्मा की ज़िंदगी बिल्कुल पलट गई। जो करिश्मा कपूर शादी करने के बाद एक प्यार और सुकून से भरी ज़िंदगी का इंतज़ार कर रही थी, उनके साथ शादी के बाद बिल्कुल विपरीत हुआ। करिश्मा ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब वो अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पर गई थी तो उसके हस्बैंड संजय कपूर ने उनकी नुमाइश अपने दोस्तों के सामने की और उनके दोस्तों से करिश्मा कपूर के एक रात की रेट तक डिस्कस की। करिश्मा ने खुद बताया कि किस तरह से उसके पति ने दोस्तों के सामने उसकी बोली लगाना शुरू कर दी और करिश्मा को प्रेशर किया उसके दोस्तों के साथ सोने के लिए। ये दुख काफ़ी नहीं था, इसके बाद तो संजय कपूर ने करिश्मा कपूर पर दुखों का पहाड़ ही तोड़ दिया। तब जब करिश्मा कपूर को पता चलता है कि जिस बीवी को तलाक देकर संजय कपूर ने करिश्मा के साथ शादी की है, उस बीवी के साथ करिश्मा से मैरिड होने के बावजूद संजय कपूर के फिजिकल रिलेशनशिप्स थे। करिश्मा ने इस बात को लेकर अपने पति को कन्फ्रंट करने की कोशिश की और उससे बात क्लियर करने की कोशिश की, तो उसने अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करने के बजाय करिश्मा से ही आर्ग्यू किया और उसके बाद दोनों के बीच बहुत झगड़ा भी हुआ। 2012 में करिश्मा कपूर संजय कपूर से अलग हो गई। करिश्मा को संजय से दो बच्चे हैं। जहाँ करिश्मा अभी तक सिंगल है, वहीं संजय कपूर मूव ऑन हो चुके हैं, उन्होंने तीसरी शादी कर ली है।